देश भर में कोरोना का कहर जारी है। लोग अपनों के संक्रमित होने से परेशान हैं, लेकिन गैरों की मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं, दूसरों की सहायता कर रहे हैं। लेकिन कानपुर से एक बेहद शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला को उसके अपने ही बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया और वजह थी कोरोना। महिला ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया जिसमें वो कोरोना संक्रमित निकली। बस ये बात उसके लिए काल साबित हुई। महिला के बेटों ने उसके कोरोना संक्रमित होने पर उसकी देखभाल करने की बजाय उसे घर से बाहर निकाल दिया। पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। मामले की जांच की गई और महिला को इलाज के लिए कानपुर के उर्सुला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन दुखद खबर ये है कि उसे बचाया नहीं जा सका। ऐसे मुश्किल वक्त में जब अपनों का हाथ पकड़ कर रखने की जरूरत है, इस महिला के बेटे ही उसकी जान के दुश्मन बन गए। आपको बता दें कि 62 साल की बुजुर्ग महिला के पति श्याम यादव लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर्ड थे। कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई, जिसके बाद राज लक्ष्मी अपने बेटे विशाल के साथ कैंट क्षेत्र के मक्कूपुरवा में रह रही थी। पिछले कई दिनों से राज लक्ष्मी को बुखार आ रहा था, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कोरोना संक्रमित होने की वजह से उनके बेटे विशाल ने उन्हें अपनी बहन के घर के बाहर छोड़ दिया। बेटी और दामाद ने भी बुजुर्ग महिला का ना तो इलाज करवाया और ना ही घर पर जगह दी। शारीरिक रूप से लाचार महिला सड़क किनारे लेट गई। तेज तपती धूप में वो घंटों लेटी रही। जब स्थानीय लोगों ने उसका वीडियो वायरल किया तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर महिला को हैलेट अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।